वेलकम बैक टू इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो में फिर से हम ट्राई करने वाले टॉप 10 अमेजिंग मिथ को, जिनको गाइस आप लोगों ने मेरे को कमेंट किया था। और गाइस इनमें से कुछ मिथ तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है जिनको गाइस मैंने पिक किया है। चलो गाइस ट्राई करते हैं अपने मिथ नंबर फर्स्ट को। मिथ नंबर फर्स्ट, साइकिल और टैंक को एक साथ में रखो, फिर दोनों का बटन एक साथ में दबाओ, फिर साइकिल के साथ में आप टैंक को भी चला पाओगे। क्या सच में हम मल्टीप्लेयर करके टैंक के साथ साइकिल को चला पाए नंबर फर्स्ट को? तो दोस्तों मिथ को ट्राई करने के लिए अपने को सबसे पहले एक टैंक को स्पॉन करना होगा जिसका चीट कोड गाइस 40 है। चलो गाइस फटाफट यहाँ पे एक आर्मी टैंक को स्पॉन कर लेते हैं। तो फटाफट गाइस मैं यहाँ पे चीट कोड की सहायता से आर्मी टैंक को स्पॉन कर लेता हूँ। तो मैंने फाइनली यहाँ पे 40 का चीट कोड डालकर आर्मी टैंक को स्पॉन कर लिया है। अब बारी दोस्तों साइकिल को स्पॉन करने की, जिसका चीट कोड 1111 है। तो फाइनली दोस्तों मैंने यहाँ पे चीट कोड की सहायता से साइकिल को स्पॉन कर लिया। अब फटाफट गाइस इन दोनों को एंटर ऑप्शन को एक साथ क्लिक करते हैं। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे जैसे इन दोनों का एंटर ऑप्शन एक साथ आया तो मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैं आर्मी टैंक को साइकिल को गाइस मल्टीप्लेयर होकर काफी इजी तरीके से यहाँ पे कंट्रोल कर पा रहा हूँ और गाइस चला पा रहा हूँ। साथ में आप लोग देख सकते हो जैसे गाइस मैं यहाँ पे साइकिल के स्टीयरिंग को एक साइड से दूसरी साइड घुमाऊंगा तो गाइस यहाँ पे आर्मी टैंक की जो स्टीयरिंग है वो भी गाइस कंट्रोल करेगी। और गाइस जो अपना कैमरा है गाइस अपनी डिस्प्ले को अगर हम एक साइड से दूसरी साइड खिसकाएंगे या घुमाएंगे तो अपना जो आर्मी टैंक का लॉन्चर है गाइस वो कंट्रोल होगा। और गाइस आप लोग देख सकते हो ये दोनों चलाने में काफी इजी है। तो गाइस ये वाला मिथ हो जाता है 100% कंफर्म। मिथ नंबर टू, अगर आप आईवीडी 3D में स्टीमैन बनकर 320 वाले जेट पैक के अंदर बैठोगे तो होगा मैजिक। तो चलो गाइस देखते हैं इस मिथ के अंदर अपने को कौन सा मैजिक देखने को मिलने वाला है। तो गाइस अपने को फर्स्ट में बनना होगा स्टिकीमैन, जिसके लिए गाइस अपने को बहुत सारे स्टिकीमैन चिपकाने पड़ेंगे अपने शरीर के ऊपर। तो गाइस फटाफट बन जाता है यहाँ पे स्टिकीमैन। और गाइस स्टिकीमैन बनने के लिए आपको बहुत सारे स्टिकीमैन को लगा देना गाइस जमीन पर। गाइस उसके बाद आपको स्काई फुल और गाइस इन्फिनिटी हेल्थ का चीट कोड लगा देना है ताकि गाइस आप स्टिकीमैन बन जाओ। तो फिर चलो मैं इन स्टेप को फटाफट फॉलो कर लेता हूँ। तो गाइस फाइनली यहाँ पे स्टिकीमैन तो चिपक चुके। अब बारी गाइस यहाँ पे इन्फिनिटी हेल्थ के चिट कोड लगाने की। चलो गाइस फटाफट इन्फिनिटी हेल्थ को एक्टिवेट कर लेते हैं। अब बारी गाइस स्काई फुल लगाने की। तो फाइनली दोस्तों आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे स्काई फुल का चिट कोड लगाया, स्काई फुल भी लगा दिया है। स्काई फुल लगाने के बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हो मैं काफी ऊपर से नीचे गिरने वाला हूँ। गाइस जैसे गिरूंगा तो जितने भी सारे मैंने स्टिक बम लगाए हैं गाइस वो सारे के सारे मेरे शरीर पे चिपक जाएंगे। आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से अपने ऊपर सारे के सारे स्टिक बम चिपक चुके हैं। अब बारी गाइस यहाँ पे एक जेट पैक को स्पॉन करने की, जिसका चिट कोड गाइस 320 है। चलो गाइस फटाफट यहाँ पे एक जेट पैक को स्पॉन कर लेते हैं। जेट पैक स्पॉन करने के बाद दोस्तों आपको इनके एंटर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद गाइस अपने को मैजिक देखने को मिलने वाला है। तो फाइनल दोस्तों यहाँ पे जेट पैक तो स्पॉन हो चुका है। अब चलते गाइस इसके एंटर ऑप्शन के पास। तो आप लोग देख सकते हो जैसे कि एंटर ऑप्शन आया मैं जैसे पर उसके क्लिक किया तो आप लोग देख सकते हो जो अपना जेट पैक है गाइस वो काफी रफ्तार के साथ अब एक ही जगह गाइस इसकी चक्री बन जाती है। गाइस काफी रफ्तार में गाइस राउंड शेप के अंदर घूमने लग जाता है। आप लोग देख सकते हो काफी रफ्तार के साथ एक ही जगह इसकी चक्री बन जाती है। और गाइस मेरे को इसको देखते देखते गाइस चक्कर आने लग जाते हैं। लेकिन गाइस अगर आप लोग देख सकते हो मैंने जैसे इसको टेक ऑफ किया दोस्तों तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे काफी रफ्तार की जैसे गाइस मैं एक्सीलेटर पे क्लिक करता हूँ तो उसी स्पीड में गाइस अपना जो जेट पे है वो गाइस चक्री बन जाती है। तो गाइस इस मिथ के अनुसार अपने को मैजिक देखने को मिला है। तो गाइस ये वाला मिथ हो जाता है 100% कंफर्म। मिथ नंबर थ्री, अगर आप आईवीडी 3D के अंदर स्विमिंग पूल के अंदर साइकिल से स्विंग वाला ग्लिच लगाकर साइकिल को रिवर्स में चलाते हुए स्विमिंग पूल की दीवार से लगाओगे तो हमारा जो चेक रिवर अंडरग्राउंड हो जाएगा। क्या गाइस सच में ऐसा होगा? चलो गाइस मिथ को ट्राई करते हैं। तो फाइनल दोस्तों मैं आ चुका हूँ स्विमिंग पूल के ऊपर और गाइस यहाँ पे फटाफट स्पॉन कर लेता हूँ साइकिल को। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो साइकिल स्पॉन हो चुकी है। अब बारी है दोस्तों अपने को स्विंग ग्लिच लगाने की। चलो गाइस फटाफट स्विमिंग पूल के अंदर चलते हैं और लगाते हैं साइकिल के साथ स्विंग ग्लिच। तो आप लोग देख सकते हो जो अपनी साइकिल है थोड़ा सा आगे चली गई। कोई बात नहीं दोस्तों, फाइनल यहाँ पे इंटर ऑप्शन आ गया और गाइस आप लोग देख सकते हो फाइनल अपना लग चुका है स्विंग ग्लिच। लेकिन गाइस हम थोड़ा सा घूम के खड़े हो चुके हैं लेकिन कोई बात नहीं, अपने को साइकिल को रिवर्स के अंदर ले जाना। चलो गाइस फटाफट साइकिल को पलट फुल एक्सीलेटर पर रिवर्स के अंदर ले चलता हूं। तो आप लोग देख सकते हो जैसे अपनी साइकिल अपनी स्विमिंग पूल की वॉल से टकराती है तो आप लोग देख सकते हो जो अपना चेक टायर हुआ गाइस थोड़ी देर तो यहाँ पे खड़ा होता है, उसके बाद गाइस ऑटोमेटिकल स्विमिंग पूल के अंदर चला जाता है। गाइस थोड़ी देर के बाद जो स्विमिंग पूल का पानी है वो गाइस गायब हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अपना बंदा अभी तक अंडरग्राउंड नहीं हुआ है तो गाइस क्या ये मिथ बस्टेड होने वाला है? लेकिन गाइस 2 मिनट मैंने जैसे वेट किया जैसे गाइस अपने बंदे ने हेलमेट पहनने के लिए अपने हाथों को उठाया तो आप लोग देख सकते हो जो अपना बंदा है वो स्विमिंग पूल से स्लिप होता है। गाइस ऑटोमेटिकल अपने मैप के अंडरग्राउंड के अंदर गिर चुका है, गाइस वॉइड के अंदर गिर चुका है लेकिन पानी की वजह से यहाँ पे तैरने लग जाता है। तो गाइस ये वाला मिथ के अंदर अपने को ये वाला अंडरग्राउंड ग्लिच देखने को मिला और देखने में गाइस काफी ज्यादा कूल लगता है। तो गाइस ये वाला मिथ हो जाता है 100% कंफर्म। मिथ नंबर फोर, अपडेट के बाद टैंक को ब्लास्ट करने पे उसका चेन निकल जाता है। क्या गाइस सच में ऐसा होता है? जो अपने अपडेट आया उसके बाद आर्मी टैंक को अगर हम ब्लास्ट करते हैं तो उसका जो पहियों में जो लगा होता है चेन गाइस वो गायब हो जाता है, गाइस निकल जाता है। चलो गाइस मिथ को ट्राई करते हैं, देखते गाइस होने वाला है क्या। तो चलो फिर दोस्तों यहाँ पे फटाफट एक आर्मी टैंक को स्पॉन कर लेते हैं। तो फाइनल दोस्तों आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक आर्मी टैंक को स्पॉन कर लिया और गाइस आप लोग देख सकते हो अपने मिथ के अंदर जिस चेन की बात होती है वो गाइस ये रही, वो चेन जो अपने पहियों के अंदर लगी होती है आर्मी टैंक के पहियों के अंदर गाइस एक चेन लगी होती है जिससे गाइस अपना आर्मी टैंक चलता है।
है, लेकिन गाइस मेरे को ऐसा नहीं लग रहा। तो गाइस फाइनल मैंने यहाँ पे आरपीजी को निकाल लिया और गाइस जो अपना आर्मी टैंक है गाइस 3 स्टेप के बाद ब्लास्ट हो जाएगा। लॉन्चर मार दिया और गाइस फाइनली अपना जो आर्मी टैंक है गाइस वो ब्लास्ट हो चुका है। तो चलो फिर फटाफट आर्मी टैंक के अंदर चेक कर लेते हैं कि इसकी चेन गायब हुई है, निकली है गाइस, कहीं और जा चुकी है। तो गाइस फाइनली आप लोग देख सकते हो मैं अपने जले हुए आर्मी टैंक के पास आ चुका हूं और गाइस इसके जो पहियों के अंदर जो चेन लगी होती है, चेन की पट्टी लगी होती है, वो भी गाइस इस आर्मी टैंक के अंदर है। और गाइस वो वाली चेन भी यहाँ पे पूरी की पूरी जल चुकी है, आप लोग देख सकते हो। काफी इसी तरीके से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और दूसरी साइड भी चलो गाइस फटाफट चल के देख लेते हो। गाइस आप लोग देख सकते हो अपनी जो सेकंड साइड अपने आर्मी टैंक की गाइस वहाँ पे अभी तक चेन लगी हुई। तो गाइस ये वाला मिथ 100% बस्टेड है। मिस नंबर 5, अगर आप सुपरा को तेज रफ्तार में भगा कर उसे उल्टा कर देते हो तो वह भी उल्टा उतरेगा और गिर जाएगा। गाइस क्या अपने चेक्टर की बात हो रही है, चलो गाइस मिथ को ट्राई करते। तो आप लोग देख सकते हो जो अपनी सुपरा की हालत, आप लोग देख सकते हो, आप लोग इस सुपरा की हालत को देख के गाइस अंदाजा लगा सकते हो कि कितने अटेम्प्ट के बाद गाइस ये वाला मिथ कन्फर्म हो गया बस्टेड। गाइस वो चेक करेंगे तो आप लोग देख सकते हो फाइनली मैंने यहाँ पे लास्ट अटेम्प्ट के अंदर गाइस यहाँ पे मैंने कम से कम गाइस 7 अटेम्प्ट किए होंगे, जिसके बाद गाइस ये वाला मिथ मेरा सक्सेस हुआ है। अब मैं अपनी सुपरा को गाइस उल्टा करने में गाइस सक्सेस हुआ हूं। तो चलो गाइस मिथ को कंटिन्यू करते हैं। आप लोग देख सकते हो मैं सुपरा को फिर भी अटेम्प्ट करता रहता हूं गाइस, कोशिश करता रहता हूं उलट पलट करने की, लेकिन गाइस ये उल्टी नहीं होती। गाइस काफी टाइम तक मैंने इसको ट्राई किया गाइस, कम से कम मैंने इसको 15 मिनट से गाइस रेगुलर ट्राई किया, तब जाके गाइस मेरी जो सुपरा है गाइस वो लास्ट अटेम्प्ट के अंदर पलट जाती है। तो गाइस ये वाला वो लास्ट अटेम्प्ट है, तो आप लोग देख सकते हो इसके अंदर गाइस फाइनली मैं अपनी सुपरा को उल्टा करने में गाइस सक्सेस हो जाता हूं। और गाइस उसके बाद जैसे मैं अपने चेक्टर गाइस यहां से एग्जिट करता हूं, तो आप लोग देखना कि अपना चेक्टर गाइस पलटता है कि नहीं गाइस, या उल्टा उतरता है कि नहीं। तो आप लोग देख सकते हो जैसे मैंने अपने सुपरा से अपने चेक्टर गाइस एग्जिट किया, तो अपना जो चेक्टर गाइस वो उल्टा जैसे अपनी सुपरा है वैसे एग्जिट हुआ और कुछ देर के बाद यहाँ पे नीचे गिर गया, जो कि मिथ के अंदर बात हो रही थी। तो गाइस इसी के साथ ये वाला मिथ भी हो जाता है 100% कंफर्म। सो फाइनल दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक एंड गाइस, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड गाइस मैं अपने कमेंट बॉक्स के अंदर चेकआउट कर रहा हूँ, तो गाइस आपके काफी कम मिथ कमेंट हो रहे हैं, तो दोस्तों अच्छे अच्छे कमेंट कर देना मिथ के जो कि गाइस आपके पास हो। तो गाइस हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।